नात पाक का मतला हाजिर करता हूँ, सुनिएगा मोहब्बत के साथ साथ। मदीना से दूर रहकर एक आशिक किस कदर मचलता है और वो आका की बारगाह में अरीजा लगाता है और वो कहता है, क्या कहता है सुनिएगा, हाजिर करता हूँ सुनिएगा, कि बुल वालो तैबा में सुनिएगा, दिल लगा के सुनिएगा और मुस्कुराइएगा साथ साथ, ताकि मुस्कुराने का भी सवाल मिल जाए। एक बार मुस्कुराना जानते हैं तो कहते हैं मुस्कुरा के सुभान अल्लाह, और धीरे से कहिए सुभान अल्लाह। हाजिर करता हूँ सुनिएगा, कि बुल वालो तैबा में आका, 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 मुझको भी एक बार बुल वालो तैबा मुझको भी एक बार, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, सरकार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, बुलवालो 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 तैबा में आका, बुलवालो तैबा में आका, बुलवालो तैबा में आका, मुझको भी एक बार, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। हाँ वो भी बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, घबराइए नहीं, हाँ सेट करके वो अपनी जगह ले लेंगे, घबराइए नहीं, है ना। जरा भैया बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, मोहब्बत के साथ सुनिए। एक बार और कहते सुभान अल्लाह, और एक बार कहते सुभान अल्लाह। अभी तकरीर होनी है हजरत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली, जिनकी तकरीर लाजवाब, यकीनन ये किसी का सहारा नहीं लेते हैं बल्कि लोग इनसे सहारा लेते हैं, है कि नहीं। वो हमारे और आपके बीच हाजिर हैं, अल्लाह इसी जात को सलामत रखे, नकीब हिंदुस्तान, यकीनन जिनकी शायरी पढ़ पढ़ के लोग शायर बन गए, वो अजीम नकीब हमारे और आपके बीच हाजिर हैं। इन तमाम उलमाए किराम की दुआओं को लेकर मैं हाजिर करता हूँ सुनिएगा मोहब्बत के साथ, एक बार कह दें सुभान अल्लाह, और एक बार कह दें सुभान अल्लाह, और एक बार कह दें सुभान अल्लाह, हाजिर करता हूँ सुनिएगा, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। अब जिन हाजियों ने मदीना शरीफ देखा है, उन हाजियों का जब काफिला वहां से यहां आता है, दीवानों का उनके पीछे एक मजमा होता है, दीवाने ये पूछते हैं कि वहां की गलियां कैसी है, वहां के मौसम कैसे है, वहां के वो आबो हवा कैसे है, ये दीवाने पूछते हैं, और दीवाने कहते हैं कि इसने सुनाया, इसने सुनाया, उसने शहर मदीना ऐसा है, इसने सुनाया, उसने बताया शहर मदीना ऐसा है, मैं भी जाकर देखूंगा गुंबद खज़रा, जाकर देखूंगा
नजरा कैसा है, इसने सुनाया उसने बताया शहर मदीना जिस दर पे हो रोगिल का, जिस दर पे हो रोगिल का, जिस दर पे हो रोगिल का, लगता है बाजार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। देखिए ये वो इलाका है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है, ये वो इलाका है जिस इलाके में अच्छा शेर सुनने के बाद लोग खामोश नहीं रहते हैं और हर अच्छे शेर का इस्तकबाल किया जाता है। इतने अच्छे शेर का इस्तकबाल भी इतना अच्छा होना चाहिए। जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, सब लोग अपनी आवाज बुलंद करें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत। हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली का हुक्म हुआ कि शेर फिर से पढ़ा जाए। दोबारा पढ़ो शेर, सुनेंगे आप। मेरे पास भैया कोई इको की मशीन नहीं है, वो गरीब जैसे सेट कर दे, मुझसे गरीब पढ़ लेता है। अच्छे लोग जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह, और एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, कि कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, के इसने सुनाया उसने बताया शहर मदीना ऐसा है, इसने सुनाया उसने बताया शहर मदीना। जिस दर पे हो रोगिल का, जिस दर पे हो रोगिल का, जिस दर पे हो रोगिल का, लगता है बाजार कैसा है वो शहर मदीना का, दिखला दो सरकार है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार, कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार। जितनी तारीफ है अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन मिसवाई ने की थी, उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है। अल्लाह तमाम नौजवानों के हौसले को सलामत रखे, आता हुसैन का सदका नसीब फरमाए।
हाँ 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 पढ़ेंगे रात भर जलसा होगा रात भर पढ़ेंगे इंशाल्लाह अभी शुरू कहाँ हुए हैं जरा एक बार मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह और एक बार कह दें या रसूल अल्लाह अगला शेर सुनिएगा वाकई जिसके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है ना जिसके दिल में ये तड़प है कि मदीना में जाऊंगा इंशाल्लाह वो दीवाने खामोश नहीं बैठेंगे वो दीवानों का हाल क्या है सुनिएगा मोहब्बत के साथ साथ हाजिर करता हूँ एक बार और कह दें सुभान अल्लाह कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार अब शेर सुनिएगा कि अक्सर ऐसा होता है रातों में नींद ना आती है दीवानों का हाल क्या है मदीना से दूर रहकर ये दीवाने कहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है रातों में नींद ना आती है याद मदीना जब आता है आंख मेरी भर आती है जब आता है आंख मेरी पर आती है खूब मचल लगता है दिल बेचैनी बढ़ जाती है खूब मचल लगता है दिल बेचैनी इन आँखों की प्यास बुझा दो इन आँखों के प्यास बुझा दो इन आँखों के प्यास बुझा दो नबियों के सरदार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो सरकार कैसा है वो शहर मदीना दिखला दो लेकिन वक्त कम है तकरीर होगी इंशाल्लाह फिर हमारी हाजिरी होगी आप होंगे हम होंगे माइक होगा का साउंड होगा फिर नातखानी का सिलसिला चलेगा तकरीर के बाद इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा और आप सुनेंगे हाँ बहुत सारे कलाम की फरमाइश है मैं पढ़ूंगा और वो भी मतला मैं पढ़ूंगा आप सुनेंगे मोहब्बत के साथ आज होगा इंशाल्लाह जलसा होगा यहाँ जलसा होगा लेकिन दीवाने मदीना शरीफ में टहलेंगे जरा मोहब्बत के साथ कहते सुभान अल्लाह मैं वो मतला पढ़ूंगा और वो ये मतला होगा क्या पूछिए कहा पूछिए कहा पूछिए कहा पूछिए किधर किधर हुसैन है किधर किधर हुसैन है किधर किधर हुसैन है ना पूछिए कहाँ कहाँ किधर किधर हुसैन है ना पूछिए कहाँ कहाँ किधर किधर हुसैन है ना पूछिए कहाँ कहाँ किधर किधर हुसैन है किधर किधर हुसैन है किधर किधर हुसैन जिधर नजर जिधर नजर जिधर नजर उठाएंगे जिधर नजर उठाएंगे उधर उधर हुसैन गए जिधर नजर उठाएंगे उधर उधर हुसैन गए उधर उधर हुसैन गए उधर उधर हुसैन गए उधर उधर हुसैन ये भी मतला पढ़ेंगे उसके बाद वो मतला आएगा आप सुनेंगे और मचलेंगे वो मतला ये होगा कि होता है और होता लगेगा होता है और होता लगेगा आ
आप लोग भी सुन रहे हैं क्या? अभी तक नहीं कहा होगा आप लोग सुभान अल्लाह कहिए, है ना? जरा मुस्कुराइए और कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छे लोग बैठे हाजिर करता हूं सुनेगा क्या होता है अर्ग होता रहेगा जलसा शहीद आजम का, जलसा शहीद आजम का होता है और होता रहेगा, होता है और होता रहेगा, होता है और होता रहेगा जलसा शहीद आजम का। लगता है और इसके बाद वो मतला भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह आप तड़पेंगे। वो मतला ये होगा कि हो जाए करम की एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, बस एक नजर, आका एक नजर, मौला एक नजर, दाता एक नजर, बस एक नजर, हो जाए करम की एक नजर, आका रा गुजर वाली है हालात गुजरने। उसके बाद वो मतलब आएगा कि मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, कहिए मेरा बादशाह हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। सारे कलाम है इंशाल्लाह तकरीर के बाद पढ़ जाएगा बैठ।